आर्टिकल 15 की समीक्षा के लिए एक निवेदन आया है। समीक्षा का मतलब होता है समभाव से इन्वेस्टिगेशन करना, यानी समभाव से देखना, समता के भाव से देखना, इसको पाली में समीक्षा बोलते हैं। तो किसी चीज को भी अगर हम देखेंगे और समता के भाव से देखेंगे तो उसकी समीक्षा होगी। अगर हम उसका इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उसका निरीक्षण करेंगे, उसको देख के बताएंगे तो क्या है। आर्टिकल 15 एक संविधान की धारा है, यानी संविधान का आर्टिकल है, अनुच्छेद है, और उस अनुच्छेद के हिसाब से भारत के अंदर लिंग भेद, जाति भेद, धर्म भेद, स्थान भेद या जो उसका मूल वंश है उस भेद को नहीं माना जाएगा, सभी लोग बराबर होंगे, ऐसा वो आर्टिकल अनुच्छेद बोलता है। मगर यहाँ हम आर्टिकल 15 से स्टार्ट नहीं करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे फिल्म शोले से। शोले भारत की बहुत मशहूर फिल्म है जो लगभग सभी ने देखी है, नहीं भी देखी है तो लोग उसकी चर्चा करते हैं। और गब्बर सिंह को तो कोई भूला ही नहीं है, गब्बर सिंह सबको याद है, मगर ठाकुर भी सबको याद है। मैं ठाकुर शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि ठाकुर का नाम वहाँ बार बार लिया गया है। फिल्म बेशक मनोरंजन के लिए बनी है और सुपर डुपर हिट रही है, मगर मनोरंजन के साथ में वो हमें जातिवाद घुल के पिला रही है। हम वहाँ ठाकुर को बार बार देख रहे हैं और जय और वीरू की तो जातवाद का पता ही नहीं है। उसके तो ना ये पता है कि वो मूल निवासी है, ना ये पता है कि वो बहुजन है, ना ये पता है कि वो अल्पजन है, ना उनके नाम के पीछे को, बस जय और वीरू। हो सकता है बहुजन में रहे हों या कुछ रहे हों, मगर वो ठाकुर से नीचे हैं, ठाकुर से ऊपर नहीं है, क्योंकि ठाकुर जिस तरह से वहाँ शब्द का बार बार इस्तेमाल हुआ है। मेरा बताने का उद्देश्य ये है कि भारत की हर फिल्म में जातिवाद होता है, हर फिल्म में एक जाति का नाम बड़े शान से होता है, खास तौर से जो उसका नायक होता है, खास तौर से जो नायक के सहयोगी होते हैं, खास तौर से जो कहानी होती है, और जो दूसरा वाला हिस्सा होता है यानी नायक के अलावा जो दूसरा हिस्सा होता है उनकी जातियां नहीं होती हैं, उनके नाम अधिकतर नहीं आते हैं, उनसे नहीं पहचान पाएंगे आप। तो ये जातिवाद भारत की फिल्मों में घोल के पिलाया जाता है, अंधविश्वास घोल के पिलाया जाता है, अशिक्षा घोल के पिलाई जाती है, अपवाद हर जगह होते हैं, यहाँ भी अपवाद हैं। अपवादों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मगर मूल अगर भारत पूरे सिनेमा का, भारत का सिनेमा का देखेंगे तो हर फिल्म में जातिवाद है, और कोई भी फिल्म जातिवाद की जड़ को नहीं प्रहार करती है, वो जातिवाद का इस्तेमाल करती है, जातिवाद की समस्या को देखती है, जातिवाद की समस्या को बताती है, उसका चित्रण बहुत अच्छे तरीके से म्यूजिक के साथ या बहुत सुंदर सुंदर नायिका के साथ या बहुत ज़्यादा दयनीय हालत में जो लोग हैं उनके साथ वहाँ उनका चित्रण किया जाता है, ताकि आपके मन के भाव पूरे वहाँ व्यक्त हो जाएं, निकल जाएं, यहाँ तक कि आपके आंसू भी आ जाएं और फिल्म सुपर डुपर हिट हो जाए। और पूरे भारत में या ये कहें कि पूरी दुनिया में गरीबी, भुखमरी, लाचारी, बेबसी का व्यापार बहुत धड़ल्ले से और बहुत ही बुरे तरीके से होता है। जितने लोग इसकी चिंता करते हैं वो सभी लोग 5-स्टार होटल में इसकी चिंता करते हुए पार्टी करते हैं। जितने लोग बेबसी, भुखमरी, बलात्कार, जातिवाद, भ्रष्टाचार, जितनी भी इसकी अगर कल्पना करेंगे सब करेंगे, स्टोरी राइटर, स्क्रिप्ट राइटर, उन सबकी एक तमन्ना रहती है कि हमारा प्रवचन कहीं 5-स्टार होटल में हो जाए और हमारा नाम कहीं ऊंचा हो जाए। उन्हें अपना नाम ऊंचा करने का एक माध्यम है, पूरी दुनिया में इसका बिजनेस होता है। इस बात को आप समझिए कि आर्टिकल 15 के अंदर में वही दिखाया गया है जो आप बदल रहे हैं। अगर आप सिस्टम को नहीं बदलते तो आर्टिकल 15 अभी नहीं आती, और अगर आपके बदलने से नहीं आई होती तो आर्टिकल 15 70 साल पहले आ गई होती, 100 साल पहले आ गई होती, या जिस दिन संविधान बना उस दिन आ गई होती। और आर्टिकल 15 के अलावा और कोई आर्टिकल पर नहीं आई अभी। मगर आप जब बदलेंगे और भारत जब बदलेगा तो बदलने के साथ साथ पिक्चरें भी बदलेंगी। अभी इस पिक्चर में कुछ समय बाद में उल्टा होने वाला है, क्योंकि अगर आप पूरी तरह से बदल गए तो फिर नायक आप हो जाएंगे और खलनायक वो हो जाएंगे जिनकी आप कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि सिनेमा कोई सामाजिक क्रांति का माध्यम नहीं है। भारत के अंदर सिनेमा बॉक्स ऑफिस क्रांति का माध्यम है। यहाँ जो बिकेगा, जो चलेगा वो बनेगा, जो समाज सुधार का होगा या जिससे समाज सुधार होना चाहिए या जिससे भारत आगे बढ़ना चाहिए
वो नहीं बनेगा। पूरे भारत में जितना सिनेमा है वो धड़ल्ले से शराब, अफीम, चरस, गांजा या लाचारी, बेबसी खूब दिखाता है। कहीं कोई ऐसा नहीं है जो उसकी जड़ पे प्रहार करता हो, मगर फिर भी अपवाद होते हैं, अपवाद होते हैं, और अपवादों को सलाम है, क्योंकि अपवाद अगर नहीं होंगे तो पूरा सिनेमा एक तरफ हो जाएगा, जैसे कि आज की स्थिति में सब लोग एक तरफ से सोचना शुरू कर देते हैं। इसलिए आर्टिकल 15 में जो आपने बदला वो आपने देखा। अगर आप और भी अच्छा देखना चाहते हैं तो और बदलिए, और आप नायक बनना चाहते हैं तो वहां तक बदलिए, आप महानायक बनना चाहते हैं तो वहां तक जाइए। और उनकी समीक्षाएं, हजारों समीक्षाएं मैंने देखी और हजारों पढ़ी हैं। समीक्षा सिर्फ बॉक्स ऑफिस को ऊपर पहुंचाने का एक तरीका है, क्योंकि जिसने पिक्चर बनाई है वो भी बॉक्स ऑफिस की कसौटी पे खरा उतरना चाहता है, यही पैमाना उन्होंने बनाया है। उन्होंने आज तक ये पैमाना नहीं बनाया है कि अगर बॉक्स ऑफिस पे पिक्चर पिट जाए और भारत का अगर हित कर जाए तो वो सुपर हिट होगी, उसको इनाम मिलेगा। ऐसा जिस दिन आप बदल देंगे उस दिन बॉक्स ऑफिस पे चले ना चले, मगर वो पिक्चर समाज को बदलने लायक होगी, तो आप सल्यूट करेंगे, हम सर सल्यूट करेंगे। धन्यवाद।